So I hope all the participants can listen to me. Okay, let's start. This is your first day in this course, the course of management accounting. Firstly, we need to learn that what is in fact management accounting and how we proceed about this course in the coming days. We need to learn it in a bit detail today. I want to get an idea from you people also. This is not only a speech from my side. It will be an interactive session. I would ask you people also to raise your hand and share your questions, share your responses, whether you are learning or not. Firstly, we need to understand what is management accounting. Before that, we go ahead, we need to learn what is accounting. So anyone from you, if you want to answer my question, what is in fact accounting? Since many of you has gone through from the course of financial accounting, or either in ICMA or in the earlier stages or somewhere else, तो अगर आप शेयर करना चाहें अपनी अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज अकाउंटिंग, तो हम जरा इसको बेहतर अंदाज में लेके आगे चल सकेंगे. समवन हैज रेज्ड देयर हैंड्स. किसी ने हैंड रेज किया है जी. So Abu Bakr, I have allowed you to speak. Abu Bakr Naim, can you let us know that what is accounting in your view? आप बता सकते हैं आपकी नज़र में क्या है अकाउंटिंग. हम चूंकि आज इंट्रोडक्टरी सेशन है हमारा, हम सब्जेक्ट को लर्न करना चाहेंगे. सब्जेक्ट क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग. तो बिफोर दैट कि हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग को प्रोसीड करें, हमें ज़रा समझना है आपके नॉलेज से, आपके जो बैक बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसकी बुनियाद पे हम इसको आगे लेके चलेंगे. मिस्टर अबू बकर नईम, मैंने आपको अलाउ किया है कि आप बात कर सकते हैं अगर आप बता सकें. एनीवन एल्स वॉलंटियर? अलैकुम जी वालेकुम अस्सलाम. जी अबू बकर, आप बताएंगे जरा आपकी नज़र में क्या है अकाउंटिंग? मैं जैसे बता रहा था, बाकी लोग भी सुन रहे हैं, सेशन को थोड़ा सा लाइव रखना है हमने, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना है. मैं सिर्फ बोलूँगा और आप सुनेंगे तो आपका लर्निंग लेवल जो है वो शायद उतना बेहतर नहीं हो. सो आप अपना, अगर मैं किसी को अनम्यूट करता हूँ या अलाउ करता हूँ बात करने के लिए, तो वो अपनी बात बताएं और उसी नॉलेज की बुनियाद पर फिर हम आगे लेकर चलेंगे इस चीज़ को. जी अब मगर प्लीज़ बताइएगा आपकी नज़र में क्या है अकाउंटिंग. अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन। ओके, मिस्टर इलियास खान. इलियास खान जी, आप बताइएगा. अस्सलाम वालेकुम। मेरे नज़दीक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती है इनकी रिकॉर्ड, इनका रिकॉर्ड रखना, और फिर बाद में जब जब कोई रिकॉर्ड देखना हो तो उसको रिपोर्ट में पेश करना. अबू बकर आपकी आवाज़, सॉरी इलियास, आपकी आवाज़ से ज़्यादा मैं पीछे से आवाज़ें आ रही हैं, तो आई थिंक थोड़ा सा हम किसी प्रॉपर जगह पे बैठे तो ज़्यादा मुनासिब हो जाएगा. ओके, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ. नासिर रज़ा, नासिर आप बताएंगे. जी नासिर रज़ा हैज़ रेस्ड हिज हैंड. अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी वालेकुम अस्सलाम. जी नासिर. हाँ सर, फ्रॉम माय साइड अकाउंटिंग इज अ कलेक्शन कंपाइलेशन एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन टर्म ऑफ ओके, मनी एंड द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू लिसन ईच अदर्स व्यू पॉइंट. इनफैक्ट इन तमाम चीज़ों से हम एक ऐसी चीज़ पे पहुँचेंगे
जो शायद हमारे तमाम के नॉलेज को बेहतर बनाए। अभी आपने जो बात की है वो सिस्टमेटिक वे ऑफ रिकॉर्डिंग है। इनफैक्ट अर्लियर अबू बकर नईम वाज सेइंग दैट इट्स अ पार्ट ऑफ रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग समराइजिंग एंड ऑल दैट फाइन। समवन एल्स, नजम हैज रेज्ड हिज हैंड। नजम अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी नजम बताइएगा। सर मेरे ख्याल से अकाउंटिंग नेसेसरी है किसी भी बिजनेस के लिए, इसलिए क्योंकि एट द एंड अगर हम इन टर्म्स ऑफ मनी किसी चीज़ की रिकॉर्डिंग रखेंगे तो जो जैसे क्लोजिंग होती है किसी भी बिजनेस की, राइट, तो वो इसलिए नेसेसरी है आजकल के दौर में कि वो अपना बिजनेस किस स्टेज देख सकता है, उसकी उसका प्रॉफिट देख सकता है और उसके अपनी फाइनेंशियल स्टेज दे सकता है बिजनेस मेरा किस स्टेज पे है इस टाइम। अच्छा जी, उसमें उसके एक्सपेंस भी रिकॉर्डिंग में होते हैं, वही जो रूटीन में रिकॉर्डिंग करते हैं एक्सपेंस प्रॉफिट्स। अच्छा नजम, आप नजम जरा मेरी बात सुनिएगा, मैं आप लोगों को साथ साथ करेक्ट करता जाऊंगा थोड़ा सा। आपने नजम इससे पहले ICMA में कोई एग्जाम दिया है, कोई पेपर दिया है? जी दिया। ओके फाइन। सो चूंकि आप इस बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो शायद इस स्टेज के अंदर डायरेक्टली ड्यू टू सम एग्जेम्पशंस वो लैंड किए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो पिछले स्टेज में कुछ पेपर्स दे के या इसी स्टेज के कुछ एक आध पेपर दे के अब दूसरे इस वाले कोर्स को अटेंड कर रहे हैं। लेट मी क्लैरिफाई टू यू एंड ऑल द अदर पीपल ऑल्सो। इनफैक्ट वेन एवर वी आर आस्किंग अ क्वेश्चन, तो जो प्रोफेशनल एजुकेशन में होते हैं वी नीड टू द पॉइंट आंसर, स्पेसिफिक आंसर रिक्वायर्ड है इंस्टेड ऑफ यू नो सेइंग समथिंग एल्स। आप जो मुझे बात बता रहे हैं वो बात गलत नहीं है, लेकिन वो बात है कि बेनिफिट क्या है अकाउंटेंट का। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बेनिफिट, फाइन, बेनिफिट्स तो इसके बाद की बात आएगी। हम इससे पहले बात करें व्हाट इज इन फैक्ट अकाउंटेंट, तो अकाउंटिंग क्या है उसके बाद हम बात करते हैं इसके फायदे क्या होंगे और क्या चीज व्हाट इज ऑल दैट, वो क्या हो सकता है उस पर हम बात करते हैं। एनीवेज आई अप्रिशिएट योर रिस्पांस, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग हो सकती है ट्रांजैक्शंस। ओके फाइन, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, दैट्स ग्रेट। ओके एंड थैंक यू नजम। आप खुद को म्यूट कर लीजिएगा। नसीम अब्बास जी, नसीम अब्बास जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी प्लीज बताइएगा आपकी नजर में क्या है अकाउंटेंट। सर मैं अकाउंटेंट को बेसिकली एक इंफॉर्मेशन सिस्टम के तौर पे देख रहा हूँ, राइट, कि इंफॉर्मेशन चूंकि जिस तरीके से अभी आपने भाई के क्वेश्चन को बोला कि आप बेनिफिट्स की बात कर रहे हो, बेसिकली ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ठीक है, वो उसके अंदर काफी सारे प्रोसेसेस आ जाते हैं, लाइक आप रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं, इट्स वन ऑफ द प्रोसेस। ओके ओके, ठीक है जी, आप उसकी इंटरप्रिटेशन की बात कर रहे हैं तो वो भी एक डिफरेंट प्रोसीजर आ जाता है। Fine. लेकिन अगर इसको एज ए होल हम देखें कि अकाउंटिंग क्या है, तो अकाउंटिंग एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ठीक है, जो एक यानी इकोनॉमिक या फाइनेंशियल और कुछ नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो मैनेजर्स को या कंसर्न पीपल को प्रोवाइड कर रहा होता है अबाउट द बिजनेस ट्रांजैक्शन या एक्टिविटीज या इवेंट्स के बारे में, ताकि वो अपने इन्फॉर्म्ड डिसीजंस जो हैं वो ले सके और बिजनेस जो है वो कंपेटिटिव पोजीशन। दैट्स ग्रेट, आई अप्रिशिएट, आई रियली अप्रिशिएट योर रिस्पांस नसीम। यू नो आपने बड़े अच्छे तरीके से इस चीज को एक्सप्लेन किया कि जितने भी हम बात कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग है या इंटरप्रिटेशन की बात हुई या क्लासिफिकेशन की बात हुई, ऑल दीज आर प्रोसेसेस, लेकिन ये सारे के सारे जो प्रोसेसेस हैं ये मींस हैं इनफैक्ट किसी एंड को अचीव करने के लिए, किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, एंड व्हाट इज़ द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट। आपने बड़े अच्छे तरीके से उसको हाईलाइट किया कि हमने मैनेजमेंट के लिए, मैनेजेरियल purposes के लिए, decision making के लिए information provide करनी है, very right. Someone else, बड़ा अच्छा जवाब है आपका, बड़ा thorough, कोई और अगर बात करना चाह रहे हैं, on Raza probably hand raise किया हुआ, जी on आप please बात करें। Hello,
ओके ऑन आप बात करना चाहेंगे, आपने हैंड रेज किया हुआ है, अपने आप को अनम्यूट कर लें। ओके फतीहा, फतीहा इज देयर? फतीहा आपने हैंड रेज किया हुआ है, यू वांट टू टेल अस समथिंग? यस सर। जी प्लीज। आवाज आ रही? जी आई कैन हियर यू, मुझे आवाज आ रही है, बाकी लोगों को भी आ रही होगी। जी प्लीज। जी फतिया, वी कैन हियर यू, हम सुन सकते हैं आपको, आप अपनी बात बयान करें। ओके प्रॉबेबली वी आर अनेबल टू हेयर इन फैक्ट, सो समवन एल्स। जी इलियास खान। जी शुक्रिया। तो पहले मैं ये कहना चाह रहा था आई माइट बी रिस्पॉन्डिंग इन ए नॉन टेक्निकल वे, बट इन माय ओपिनियन accounting is recording of financial transactions, number That's one. Right. Number two, eventually we would like to share that information with the stakeholders in whatever Right. report, in whatever way we can. And lastly, Okay. It is a record of our financial picture of the business. This, Okay. In my opinion, is the non-technical definition. So, आपने ये कह तो दिया कि दिस इज नॉन टेक्निकल, इन फैक्ट दिस इज हाईली टेक्निकल, बट एवर इज इन फैक्ट टोल्ड दिस इज हाईली टेक्निकल, दैट्स लाइक आपने जो बयान किया है, आई रियली अप्रिशिएबल। ओके फाइन, ये थोड़ा सा इन फैक्ट आइस ब्रेकर सेशन भी है, बिकॉज वी डोंट नो ईच अदर यूजुअली। अच्छा जी, जो जवाब दे लें उसके बाद काइंडली अपने माइक को खुद से म्यूट कर लें, because otherwise disturbance rahegi baki logon ke liye. I would request jo log apni baat kar chuke hain wo kindly apne aap ko mute kar lein. So I was just asking, in fact ye jitni bhi baat hum kar rahe hain ye sari ki sari baat ka jo context hai ye thoda sa ice breaker bhi hai hum sab logon ke darmiyan, because agar hum ek live class ke andar maujood hote hain physical class mein, so probably बहुत सारी चीज़ें हम एक दूसरे के फेशियल एक्सप्रेशन से भी सीखते हैं। बीइंग अ फैकल्टी मेंबर और बीइंग अ टीचर, वी यूज टू लर्न कि स्टूडेंट का फेस हमें बता रहा है, ऑडियंस का फेस बता रहा है कि कुछ चीज़ उनको समझ आ रही है नहीं आ रही। तो आई जस्ट वांट टू टेक इट दिस अपॉर्चुनिटी कि आप लोगों को थोड़ा सा ओपन दिया जाए एवेन्यू कि आप अपनी बात बयान कर सकें। आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि ये जो लर्निंग का प्रोसेस है ये म्यूचुअल होता है। इफ आई विल बी स्पीकिंग फ्रॉम वन साइड और आप सिर्फ सुन रहे होंगे, तो यू मे नॉट बी एबल टू लर्न दैट वे अंटिल अगर आप अपना पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, खुद से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। यू माइट बी हैविंग सर्टेन थिंग्स इन योर माइंड एंड यू डोंट नो कि वो सही है या गलत है, बिकॉज यू आर नॉट द इवेल्यूएटर, आप इवेल्यूएटर नहीं है, इवेल्यूएटर तो शायद कोई और होगा। सो जो आपके जेहन में है हमने उसको, अगर सही है तो दैट्स शुड बी यू नो प्लेस्ड बैक इन योर माइंड, और अगर वो गलत है तो उसको हमने रेक्टिफाई करना है, दुरुस्त करना है और फिर उस चीज़ को आगे लेके चलना है। वेरी राइट। क्योंकि मैं जो अभी तक बात हुई है मैं इस चीज़ को थोड़ा सा रीकैप करता हूँ, फिर इस चीज़ से आगे लेके चलते हैं। चूँकि डिफरेंट प्रोसेस की बात हुई और डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज अभी तक बोली गई हैं, उन टर्मिनोलॉजीज को वन बाई वन हम अंडरस्टैंड करेंगे, सो दैट we can able to understand this accounting and accounting process in a better way. Recording ki baat ki gayi yahan pe, classification ki, summarize karne ki, interpret karne ki, transactions ki baat ki gayi, ye bhi kaha gaya ki stakeholders ko humne information deni hai, managers ko information deni hai. So ye sari ke sari terms hain, terminologies hain, we need to understand this. Let's assume there is no accounting in the world. Duniya mein accounting naam ki koi cheez nahi hai. So can someone tell me ki recording ka jo ek term bola gaya hai,
रिकॉर्डिंग टर्म से क्या मुराद है, व्हाट इज मेंट बाय रिकॉर्डिंग? अकाउंटिंग को साइड पे रखते हैं ना अब आपने, इन जनरल सेंस एनीवन कैन एक्सप्लेन कि व्हाट इज रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग किसे कहते हैं? सो एनीवन अगेन रेज योर हैंड्स, अगर आप हैंड रेज करेंगे तो अहमद ने रेज किया जी हैंड, अहमद मुर्तजा जी, अहमद मुर्तजा यू कैन एक्सप्लेन रिकॉर्डिंग किसे कहते हैं जी? सवाल ये है इनफैक्ट। ओके अहमद बात नहीं करना चाह रहे, शायद अली रजा, अली रजा आई हैव अनम्यूटेड, आई हैव अलाउड यू टू टॉक जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी अली रजा जी। सर रिकॉर्डिंग मतलब किसी भी चीज को लिख के संभाल लेना, लिख के संभाल लेना, बगैर लिख के नहीं संभाल सकते हम? नहीं सर। अच्छा चले मैं आपसे सवाल करूंगा, मुझे जरा उसका जवाब देते जाइएगा ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट हम दुरुस्त कर सके। ये बताइएगा कि कभी आपने सुना है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है? यस। तो ऑडियो रिकॉर्डिंग का वर्ड सुना है आपने, वीडियो रिकॉर्डिंग का सुना है कभी आपने? यस सर। खुदा ना खास्ता कोई मोबाइल फोन तो नहीं है आपके पास? सर उसी पे लेक्चर ले रहा हूँ जी। अगर उसी पे लेक्चर ले रहे हैं तो अगर आप उसके अंदर एंड्रॉइड सेट है या एप्पल का फोन है तो आप उस पे कोई वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं? यस सर। तो यू आर सेइंग कि आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, सो व्हेन यू आर सेइंग वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि रिकॉर्डिंग डजंट मीन कि किसी चीज को लिख के रख लेना रिकॉर्डिंग कहलाता है। रिकॉर्डिंग का मतलब तो ऑडियो भी है, रिकॉर्डिंग का मतलब तो वीडियो भी है। रिकॉर्डिंग मीन्स व्हाट, इसको जरा क्लियर। अब आपने लिखा लिख के कर लेते, लिख के क्या करते हैं? व्हाट यू आर डूइंग, लाइक अगर ये ऑडियो भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं या वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो रिकॉर्ड मीन्स व्हाट? रिकॉर्ड मीन्स इनफैक्ट टू सेव समथिंग, सेव किया जाता है। रिकॉर्डिंग का डिक्शनरी मीनिंग ले लें, लॉजिकल मीनिंग ले लें, आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि रिकॉर्डिंग का मतलब सेव करना होता है। आप ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। हमारे यहाँ जैसे ये शादी ब्याह पे वेडिंग्स होती हैं तो पीपल यूज टू गेट इट रिकॉर्डेड, तो वो जो रिकॉर्ड करते हैं वीडियो होता है वो बनाया जाता है, सेव किया जा रहा है उस चीज को। आप अपने मोबाइल फोन के अंदर डिफरेंट कॉन्टेक्ट नंबर्स होते हैं, उनको रिकॉर्ड करते हैं, यू आर गोइंग टू सेव देम। आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लाइक जैसे अभी हम लेक्चर्स डिलीवर कर रहे हैं, ये लेक्चर्स डिलीवर करने के साथ साथ यकीनन बहुत सारे मटेरियल हम आपसे शेयर करेंगे पढ़ने के लिए। जब वो मटेरियल शेयर करेंगे तो आप उसका रिकॉर्ड बना रहे हैं, आइदर वो रिटन फॉर्मेट में है, आइदर वो रिकॉर्डेड वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है, आइदर वो ऑडियो रिकॉर्डेड है, आइदर वो डॉक्यूमेंट्स का सेट है, वट एवर। सो रिकॉर्डिंग का मतलब सेव करना होता है। ये अभी कुछ टर्म्स हैं, हम अकाउंटिंग अभी बाद में इसमें लेके आते हैं, पर इन सारी चीज़ों का ऑब्जेक्टिव हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं कि बाय द एंड ऑफ द डे जब हमारा लेक्चर कंक्लूड होने जाएगा तो आई विल रिकंसाइल ऑल दीज थिंग्स और लिंक पैदा करेंगे हम ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं। नंबर टू, ओके नंबर टू, रिकॉर्डिंग के बाद एक टर्म बोली गई थी प्रॉबेबली क्लासिफिकेशन। ओके एनीवन एल्स कोई और बताना चाहेगा? इलियास खान ने फिर हाथ खड़ा किया है जी, इलियास खान साहब आप प्लीज बात कर लें। जी जरूर, मैं वो रिकॉर्डिंग के रिस्पांस में मैंने किया था जी जी, पर क्लासिफिकेशन भी मैं अपनी जानिब से करता आप दोनों जी, लेकिन आपने ये बिल्कुल नहीं कह रहा नॉन टेक्निकल है। अच्छा ठीक है, मैं असल में मैं नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड को बिलोंग करता हूं। नो इश्यूज, मेरी बातों को लाइट लीजिएगा, मेरी बातों को लाइट लीजिएगा, जस्ट क्लास को थोड़ा सा लाइवली रखने के लिए मैं ये बात कह रहा हूँ। आपका अगर अकाउंटिंग बैकग्राउंड नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका अकाउंटिंग बैकग्राउंड हो भी सकता है, बट ऑब्जेक्टिव इस सेशन का या पर्टिकुलरली इस क्लास का जो मेरे साथ चलेगी, इसमें हम एक दूसरे के एक्सपीरियंस से भी लर्न करने की कोशिश करेंगे। जो कुछ आपके नॉलेज में है, वट एवर, आइदर वो सब्जेक्ट रिलेटेड है या जनरल लाइफ से रिलेटेड चीज़ें, हम उसको लेके आएंगे और हम सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस के साथ उसको लिंक करेंगे व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी दिस सब्जेक्ट।
जो इलिया साहब प्लीज बताइएगा जी। मोहतरम, बहुत शुक्रिया, आपने इतनी एनकरेजिंग रिमार्क्स पास किए हैं, मुझे बड़ा बहुत मजा आ रहा है। चलो दैट्स ग्रेट जी। वो रिकॉर्डिंग में दरअसल कहना ये चाह रहे थे कलम बंद करना, यानी टू पुट टू राइटिंग, राइट। तो ये एक नुमाया फर्क था सही आवाज और वीडियो का दरमियान, ठीक है। और क्लासिफिकेशन में सर मैं ये समझता हूँ कि मतलब अखराजात को मुख्तलिफ खानों में डाल देना, यानी वो जो खाना है उसको हम क्लास कह रहे हैं क्लासिफिकेशन। ओके इलियास साहब, अगर फर्ज कर लें, मैंने जैसे गुजारिश की कि एक जरा फर्ज करें कि दुनिया में अकाउंटिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है, हम पैसों की बात नहीं कर रहे, हम नफ़ा नुकसान की बात नहीं कर रहे, हम फाइनेंशियल टर्म्स में कोई बात नहीं कर रहे, हम इन जनरल जो हमारी ज़िंदगी में ये अल्फाज इस्तेमाल होते होंगे, अगर हम इन अल्फाज का मीनिंग समझेंगे तो फिर इसका इस सब्जेक्ट के अंदर अगर कोई स्पेसिफिक मीनिंग है तो हम उस तक पहुँच सकते हैं। मैंने जैसे गुजारिश की कि रिकॉर्डिंग का मतलब सेव करना होता है, अभी हम बाद में इसको अकाउंटिंग में लेके आएंगे, लेकिन जनरली वेन एवर वी टॉक अबाउट रिकॉर्डिंग तो हम रिकॉर्ड रख रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिटन हो, ओरल हो, वर्बल हो, किसी भी चीज़ का, तो ऑब्जेक्टिव उस इंफॉर्मेशन को सेव करना है। और लाइक हम चूंकि अब सारे आईटी के यूज टू भी हैं और आईटी से ही लाइक ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड कर रहे हैं, अगर आप ऑफिस में काम भी कर रहे हैं तो कोई डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर करते हैं तो पुट इट यू नो, अगर वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में है तो सेव कर देते हैं, तो वो आपका रिकॉर्ड है, यू कैन एक्सेस एट एनी टाइम। रिकॉर्ड किया ही इसलिए जाता है कि सेव करने का मकसद फ्यूचर के लिए रेफरेंस प्रिपेयर करना है, सो दैट वी कैन रिकॉल समथिंग। जैसे अभी वो वेडिंग वाली वीडियो की बात हो रही थी, तो वो वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि बाद में देख के उसको डरा वरा जाएगा, ऑब्जेक्टिव तो इनफैक्ट यही है कि हम उससे जब रिकॉल करना चाहें, मीन मेमोरी डाउन द मेमोरी लेन कुछ देखना चाहें तो हम उसको देख सकते हैं, राइट। चलिए अब आप अपना ओपिनियन दीजिएगा वो क्लासिफिकेशन के बारे में। जी, क्लासिफिकेशन से मैं ये मतलब अर्ज करता हूँ कि कौन सी किस्म की चीज है, राइट, उसको यानी यानी आया वो खर्चा कराया है, मतलब खर्चे की अगर हम बात नहीं भी करते हैं तो चीजों को मुख्तलिफ प्रोसेस में हम लोग करते हैं। इलियास साहब, मैं आपको पॉइंट समझ गया हूँ। इलियास साहब, एक काम करें, अपनी पर्सनल लाइफ से, अपनी जिंदगी से, अपने इर्द गिर्द से कोई ऐसी एग्जाम्पल तलाश करें जिसमें आपको क्लासिफिकेशन नजर आ रही हो। आप अकाउंटिंग को छोड़ के वैसे सोच रहे हैं आपके अपनी जिंदगी में, घर में, मीन मार्केट के अंदर जाते हैं, आपको कोई ऐसी चीज नजर आती है जिसे आप कहते हैं हाँ ये वो जो क्लासिफिकेशन मैं समझा रहा हूँ ये इस पर पूरा उतर रही है? मुझे ये सबसे पहले इंसान है, जानवर है, right. जानवर में ईद के बकरे आ जाते हैं, वो डिफरेंट है वो हैवान, और फिर इंसानों में भी मुख्तलिफ क्लासेस हैं, कोई जो है मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक आपसे, और मैं मतलब वो एग्जाम्पल हम आमतौर पर लेंगे जो हमारी जिंदगी के इर्द गिर्द हो। लाइक हम अपने घर में देखते हैं, हम तमाम लोग अपने अपने घरों में अगर देखें तो जहाँ पे वार्डरोब होती है हमारी, जहाँ पे हमारे कपड़े होते हैं, तो क्या उन्हीं कपड़ों में जूते भी हमने रखे होते हैं या कोई उसको अलहदा से किसी खाने में किसी अलहदा से बीन शेल्फ के अंदर रखा जाता है? उनको अलहदा ही रखते हैं, अलहदा ही रखते हैं। लाइक अगर कोई फीमेल्स भी क्लासेस अटेंड कर रही हैं तो इफ यू गो टू द किचन तो बहुत सारे स्पाइसेस होते हैं, तो क्या वो तमाम स्पाइसेस को हम किसी एक बॉक्स में या कंटेनर में रख देते हैं? तो जवाब नहीं में है, वो तमाम स्पाइसेस कंटेनर्स जो हमने क्लासिफाई किए होते हैं, अलहदा अलहदा किए होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइन, क्लासिफिकेशन मींस टू यू नो सेपरेट, जैसे आपने कहा ना क्लासेस बना देना, आपने बिल्कुल सही कहा, ऑब्जेक्टिव यही है। फाइन, अब इसको आगे लिंक करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्या है? चलिए इसको एक और मिसाल से देखते हैं। लाइक अगर आप मार्केट जाते हैं, किसी शू स्टोर पर चले जाते हैं, लाइक
तो किसी शू स्टोर पे आप जाते हैं, वहां पे शू रैक बने हुए हैं और मुख्तलिफ तरह के जूते पड़े हुए हैं, उसमें सैंडल्स भी होंगी, उसमें चप्पल्स भी होंगी, उसमें यू नो आपके ड्रेस शूज भी होंगे, उसमें शायद जॉगर्स भी हों, तो क्या ये तमाम की तमाम आइटम्स किसी क्लासिफाइड फॉर्मेट में वहाँ पे मिलती हैं हमें अलहदा अलहदा, या जम बल्ड अप होती हैं, कुछ कभी कुछ पड़ा हुआ कभी कुछ पड़ा हुआ? जरूर क्लासिफाइड है, और फिर वो क्लासिफाइड तलाश करना भी आसान है। दैट्स ग्रेट, बिल्कुल सही। हम इसको मजीद लिंक करते हैं, अब लेके आते हैं, लेकिन हम किसी ग्रॉसरी स्टोर जाते हैं। आप लाहौर से हैं, कराची से हैं, इस्लामाबाद से हैं, किस स्टेशन से हैं? या सर लाहौर से। सो लिया साहब, अगर आप लाहौर में किसी स्टेशन, किसी भी ये जो हमारे ये बड़े बड़े स्टोर्स बने हुए हैं, लाइक आप अलफतेह की बात कर लें, अगर बाकी लोग भी सुन रहे हैं तो लाइक ये कारेफोर जिसे हाइपर स्टार पहले कहा जाता था, मेट्रो है, इन तमाम के अंदर भी अगर आप जाएंगे तो डिफरेंट सेक्शंस मिलेंगे हमें, लाइक ग्रॉसरी आइटम्स विल बी समवेयर एल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स कहीं और पड़ी हुई हैं, फूड आइटम्स कहीं और हैं, जो रेडी टू कुक आइटम्स हैं वो शायद कहीं और पड़ी होंगी, फ्रीज्ड आइटम कहीं और होंगी। सो ये सारी की सारी क्लासिफिकेशन है, और ऑब्जेक्टिव इस चीज का अपनी जिंदगी में आसानी पैदा करना है, नथिंग एल्स, कुछ और नहीं करना। अगर आप उस बिजनेसमैन की बात करें जो ये क्लासिफिकेशन कर रहा है, तो उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं, अगर वो खुद से उसको लोकेट करके चीज कस्टमर को देनी होती है तो भी वो आसानी से लोकेट कर सके, और अगर कस्टमर ने खुद से वो आइटम लोकेट करके अपनी ट्रॉली में रखनी है तो वो भी आसानी से लोकेट कर सके, टू मेक द लाइफ ईजी, और ये सर्च के प्रोसेस को ईजी बनाने का आसान तरीकाकार ये है कि हम इसकी ग्रुपिंग कर दें, क्लासिफिकेशन कर दें। एम आई राइट इलियास? यस। ओके, इसको मजीद आगे रिलेट, अभी हम क्लासिफिकेशन पे ही बात कर रहे हैं, इसको मजीद रिलेट करते हैं। अगर किसी, आप जाते हैं शॉप पे जहाँ पे आपकी एक्सेस नहीं है रैक्स तक, लाइक एक फार्मेसी का जिक्र करते हैं, फार्मेसी में आपकी एक्सेस नहीं है उन रैक्स तक, आप काउंटर के इधर खड़े हैं और आप प्रेस्क्रिप्शन देते हैं फार्मासिस्ट को जो वहाँ पे फार्मेसी का अटेंडेंट खड़ा है, और वो जाके ले के आता है मेडिसिन आपके लिए और आपको हैंड ओवर करता है, एम आई राइट? जी। तो वो अपनी जो उसने मेडिसिन भी रखी होंगी शायद क्लासिफाइड फॉर्मेट में रखी हूँ, मैंने ये मिसाल इसलिए दी है बिकॉज मैं इसको लिंक करूँगा अगली चीज के साथ। तो अभी ये सारी की सारी क्लासिफिकेशन की बातें हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन का सर्च को आसान बनाना है, जो मैंने इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की है, जो मैंने सेव की है, लाइक आप अपने मोबाइल फोन में, फिर वापस चले, मैंने वो अली साहब को ये एग्जाम्पल दी थी कि अगर आप देखते हैं कि आपने कुछ इंफॉर्मेशन अपने मोबाइल फोन के अंदर सेव की है या अपने कंप्यूटर के अंदर सेव की है, तो आप उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, लाइक आप मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के हवाले से आपको पास ऑन की जाएगी, तो ये जब इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे होंगे, अगर आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं तो आप इसके डिफरेंट फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं, आप क्लासिफाई कर सकते हैं जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। सेम इज द वे आप अपने कॉन्टेक्ट्स को भी क्लासिफाई कर सकते हैं, कुछ ऐसे कॉन्टेक्ट्स हैं जो आपकी फ्रेंड्स लिस्ट में फॉल करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो फैमिली के लिस्ट में फॉल करते हैं, कुछ शायद ऐसे हैं कि जो वर्क प्लेस की लिस्ट में फॉल करते होंगे, वो फ्रेंड भी नहीं है, वो ऑफिस के कलीग्स हैं, यू यूज टू इंटरेक्ट विद देम, तो आप उनकी क्लासिफिकेशन ग्रुप्स भी बना सकते हैं, फैमिली ग्रुप हो सकता है, फ्रेंड्स का हो सकता है, ऑफिस कलीग्स का ग्रुप हो सकता है, एंड सो ऑन कितने ही हो सकते हैं। तो ये सारे काम हम करते हैं, यानी अकाउंटिंग दुनिया में नहीं भी हो तो हम कुछ ना कुछ अपनी ज़रूरत की चीज़ को रिकॉर्ड भी करते हैं, सेव करते हैं, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को हम क्लासिफाई भी करते हैं, और शायद हम समराइज भी करते हैं। मैं समराइज समझना चाहूँगा, लेकिन इलियास साहब आप किसी और को मौका देंगे। जी जरूर जी, समवन एल्स समराइज करने के बारे में, अजहर यू हैव रेज योर हैंड। जी अजहर प्लीज बताइएगा, आपके जहन में कोई बात है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने तो बेसिकली जो रेज हैंड किया था वो क्लासिफिकेशन के बारे में किया था, लेकिन खैर आप क्लासिफाई भी बताना चाहते हो, नो इशू, आप समराइज दोनों बता दें। ठीक है सर। सर क्लासिफिकेशन का बेसिक मकसद यही होता है कि हमने जो
डेटा को रिकॉर्ड किया होता है या सेव किया होता है तो उसको हम ऐसे मैनर में रख ले कि कल को अगर फ्यूचर में हमें डेटा को रिट्रीव करना चाहे तो वो उस स्पेसिफिक सॉर्टिंग के बेस पे हम उसको रिट्रीव आसानी से कर सके और आसानी से कर सके। शाबाश। मैं आपकी बात काट रहा हूँ। मैंने अभी अभी इसी तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए थे, जरा रिलेट करिएगा। आसानी यानी सर्च को आसान बनाना है, एक्सट्रैक्ट करना इंफॉर्मेशन को आसानी पैदा करनी है आपके लिए, तो आप उसको क्लासिफाई कर रहे हैं। दैट्स ग्रेट जी, प्लीज। फर्दर सर, क्लासिफिकेशन से हम एक मतलब ये भी कैटेगराइज कर सकते हैं क्लासिफिकेशन को कि अगर हम कल को इस एक्सेसिव इंफॉर्मेशन को जो हमारे हमें आसानी से एक्सेस हो रही है इससे अगर हम रिजल्ट बनाना चाहे तो तब भी हमें रिजल्ट बनाने में भी आसानी प्रोवाइड होती है, बनिस्बत के जंग डेटा पड़ा हो या जंग और रेंडमली डेटा पड़ा हुआ हो और हमें अचानक टॉप मैनेजमेंट कहे कि आप लोगों ने इस प्रॉपर डेटा का, इस पर्टिकुलर डेटा का हमें रिजल्ट चाहिए, एक प्रॉपर रिपोर्ट चाहिए, तो अगर हमने क्लासिफिकेशन प्रॉपर नहीं की होगी तो तब हम ऑन द स्पॉट और उसका वो जो डिजायर टाइम रिक्वायर्ड टाइम होगा उसमें हम प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे सकेंगे। अगर हम बहुत भी टैलेंटेड होंगे लेकिन अगर हमारा रिस्पॉन्स ऑन टाइम नहीं होगा तो वो चीज़ हमारे हमारे ड्रॉबैक में चली जाएगी। अच्छा अजय साहब, अगर मुझे इजाज़त दे तो मैं एक बात करना चाह रहा हूँ। अच्छा नहीं चलें, वो गुजारिश ये है कि एक तो मतलब हम लोगों के लिए काम कोई नहीं कर रहे, हम अपने लिए काम कर रहे हैं। जब चीज़ हमें समझ आएगी ना कि ये हमारे लिए फ़ायदा मंद है तो हम कहेंगे कि मैनेजमेंट के लिए भी शायद फ़ायदा मंद हो, गोली मारें। खुदा ना खास्ता, अल्लाह माफ़ करे, कुछ लोग शायद आप लोगों में से शायद कुछ लोग मुझे जानते भी हों जो लाहौर से बिलोंग करते हैं। आई बिलोंग टू लाहौर इन फैक्ट, और मैं ICMA लाहौर से कोई पिछले 15-16 साल से वाबस्ता हूँ। फेलो मेंबर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट आल्सो, और मैं फैकल्टी मेंबर भी वहाँ पे। सो मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ जी कि एक एक चीज़ को अज्यूम करें कि आप खुद बिजनेस के मालिक हैं, यू आर एन एंटरप्रेन्योर, आप बिजनेस रन कर रहे हैं। आप किसी की बात ना करिएगा, जब बात करेंगे तो आप अपनी बात करेंगे। लाइक आपने कहा कि जो इंफॉर्मेशन क्लासिफाइड फॉर्मेट में होगी ये मुझे असिस्ट करेगी, हेल्प करेगी इफ़ आई वॉन्ट टू प्रिपेयर एनी काइंड ऑफ रिपोर्ट फॉर मेकिंग एनी काइंड ऑफ डिसीजन। मैनेजमेंट ने डिसीजन करना नहीं है, मैंने खुद ही करना है जी। मेरा अपना बिजनेस है, मुझे खुद से पता होना चाहिए। लेट मी अलाउ टू से वन थिंग मोर, फिर मैं आपको दोबारा देता हूँ माइक कि आप फिर बात करें। एक मैं जो अभी एग्जाम्पल दे रहा था कि हम एक फार्मेसी पर जाते हैं, उसको अपना प्रेस्क्रिप्शन देते हैं, उसे कहते हैं कि मेडिसिन चाहिए। वो मेडिसिन प्रेस्क्रिप्शन हमसे हाथ में लेने के बाद कभी भी आपने देखा हो कि वो जो साहब हैं, जो भी सामने अटेंडेंट है, वो कभी भी रैक्स की तरफ नहीं जाते पहले मेडिसिन तलाश करने के लिए। मैं एक अच्छी फार्मेसी की बात कर रहा हूँ, छोटे मोटे मेडिकल स्टोर की बात नहीं कर रहा। तो अगर आप देखेंगे तो वो इससे पहले कि वो रैक की तरफ जाए मेडिसिन एक्सट्रैक्ट करने के लिए, वो पहले कहीं और जाता है। आप बता सकते हैं अजहर साहब, वो पहले कहाँ जाता है? सर, चूंकि मैंने काफ़ी टाइम बाहर गुजारा है तो मैंने अक्सर देखा है जितने भी ये मेडिसिन के सुपर स्टोर्स होते हैं जिसको जो है फिर भी वो क्लासिफिकेशन की तरफ थोड़ा वो क्या कहते हैं ना सर, इशारा दूंगा, उन लोगों ने हर टाइप की मेडिसिन को सेग्रीगेट किया होता है उसके सिम्पटम्स के हवाले से। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो मतलब अब मिसाल के तौर पर वो एज की कैटेगरी क्या आ रहा है या मिसाल के तौर पर स्ट्रक्चर के लिहाज से आ रहा है या एज के लिहाज से आ रहा है, तो उन लोगों ने उसको कैटेगराइज किया होता है। शाबाश शाबाश। अब ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके चल रहा हूँ। ये है फिजिकल कैटेगराइजेशन या क्लासिफिकेशन है, ये आमतौर पर हमें हर जगह पे मिल गई, हमने इससे इसकी मिसाल भी ले ली। इनफैक्ट बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, इसी चीज को रिलेट करते हुए मैं वो समरी बताना चाह रहा हूँ, जरा समरी समझिएगा। क्या फार्मेसी वाले को अगर प्रेस्क्रिप्शन देंगे, आप अब्रॉड भी अगर रहे हैं तो यू विल सी कि जब प्रेस्क्रिप्शन देंगे तो वो मतलब मेडिसिन निकालने के लिए पहले नहीं जाएंगे, पहले वो कंप्यूटर का रुख करेंगे। जी सर, बिल्कुल सर, उसकी दो अच्छा ठीक है, मैं मुझे दो जरा एक बात छोटी सी बोल रहे थे, फिर आपके पास है माइक, अब मुझे सिर्फ रिस्पॉन्स करते रहिएगा। वो कंप्यूटर से क्या तलाश करने जा रहा है? कंप्यूटर में क्या चीज ऐसी मौजूद है? मेडिसिन तो कंप्यूटर में नहीं है, मेडिसिन तो फिजिकली रैक्स में लगी हुई है, डिस्प्लेस में लगी हुई है, तो वो उस कंप्यूटर के अंदर क्यों घुस रहा है?
इनफैक्ट कंप्यूटर के अंदर वट एवर इज अवेलेबल विद हिम विद दैट एंटरप्रेन्योर विद दैट बिजनेस जो कुछ भी उसके पास उस फार्मेसी में अवेलेबल है उसकी एक लिस्ट मौजूद है और वो मौजूद उस कंप्यूटर के अंदर am I right or not? बिल्कुल सर जी करेक्ट अच्छा वो जो लिस्ट है मेरे दोस्त इनफैक्ट वो समरी है ये समरी क्यों बनाई अगेन ये समरी क्यों बनाएगी लाइक अगर हम फार्मेसी वाले को पकड़ाते हैं उसके पास कोई समरी ना हो वो जाता है वो रेलेवेंट रैक में जाता है उसको नहीं मिलती वो मेडिसिन वहां पे तो उसको डाउट होता है कि शायद मेडिसिन है लेकिन मुझे नजर नहीं आ रही शायद हो सकता है बैकयार्ड स्टोर में पड़ी हो वो वहां पे जाता है ट्रेस करता है नहीं मिलती और हमें 15-20 मिनट बाद आके बता देते हैं यार ये मेडिसिन नहीं है तो जब हमें 15-20 मिनट इंतजार करवाया जाएगा तो हमें तो मतलब फूलों के हार डालने को तो दिल करेगा ना उसको तो बट आई एम सेइंग इन फैक्ट कि अगर उसने भी बिजनेस सक्सेसफुल चलाना है और हमने भी आसानी अपने लिए पैदा करनी है उसने अपने लिए यूँ आसानी पैदा कर ली कि अपने लिए एक लिस्ट बना ली वो समरी है वट एवर इज अवेलेबल विद हिम उसकी एक समरी उसके पास आ गई है तो ये उसके सर्च के प्रोसेस को मजीद आसान बनाया गया है उसके सर्च के प्रोसेस को मजीद आसान बनाया गया है अब आप उसी उस फार्मेसी के ओनर हैं आपको मैं एक प्रेस्क्रिप्शन दे रहा हूँ आप उस फार्मेसी के ओनर हैं आपने कंप्यूटर में सर्च किया और मैंने आपसे वो टैबलेट्स जो मांगी हैं वो मैंने 2 strips यानी 20 tablets मांगी हैं आपके सिस्टम में देखा तो आपके पास 20 ही टैबलेट्स पड़ी हुई हैं आपने वो 20 टैबलेट्स मुझे दे दी क्योंकि मैं आपके पास कस्टमर के तौर पर हूँ आपने मुझे दे दी तो इसके बाद आप क्या करेंगे चिल हो जाएंगे या कुछ करेंगे नहीं सर जी डेफिनेटली फिर मैंने इसको इसी रिपोर्ट को दोबारा अपडेट करना है नहीं मेरी बात सुन लीजिएगा आपने वो रिपोर्ट अपडेट कर दी आपके पास 20 आइटम्स पड़ी हुई थी कंप्यूटर बता रहा है आपने वो 20 मैंने मांगी थी 20 आपने मुझे 20 दे दी हैं अब आपके पास कितनी रह गई हो कुछ भी नहीं रह गया सर जी कुछ भी नहीं रह गया तो आप क्या करेंगे उसके बाद कोई बात नहीं आप कहेंगे आराम से तशरीफ रखते हैं और अगर अगला कस्टमर आएगा तो फिर देखेंगे या कुछ करेंगे यू विल डू समथिंग और यू विल यू नो चिल करेंगे आप सर जी मैं जरा वो क्या कहते हैं ना कि मैं जरा वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस की या बिजनेस की बात करूं तो ये ऐसा होता है सर जी कि जब आपके पास इन्वेंटरी क्वांटिटी कंट्रोल इसे कहते हैं कि ये जब आपके पास जब आपकी इन्वेंटरी आपके पास आपको पता चल रही है कि ये मेरी बिलो वो एवरेज चल रही है तो वो आपको इंटीमेट कर देता है सिस्टम कि आपके पास क्वांटिटी शॉर्ट में होने वाली है तो जब आप सही पॉइंट पे पहुंचे मैं यही कह रहा हूँ फर्ज कर लें कि आपका कोई इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम भी नहीं है ये जो बाकी लोग नए हैं ना आज क्लास में मैंने इसीलिए कहा कि हम जरा आसान आसान बातें करेंगे मुश्किल मुश्किल नहीं करेंगे क्योंकि जो टर्म्स हैं उनका सबको अंदाजा नहीं है आगे चलेंगे तो ये टर्म्स पता चलती जाएंगी मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि एक प्रॉपर बिजनेस रिकॉर्डिंग करने वाला कोई नहीं है अगर वो आम सी ऑर्गेनाइजेशन भी है उसके पास कोई इन्वेंटरी कंट्रोल्स पर डेवलप नहीं हुए जैसे मैंने आपके बिजनेस की मिसाल दी है कि आप एक फार्मेसी चला रहे हैं मैंने प्रेस्क्रिप्शन पकड़ाई आपके पास 20 पड़ी हुई थी आपने 20 मुझे दे दी सवाल यही है कि क्या इन्वेंटरी कंट्रोल के हवाले से जब स्टॉक जीरो हो गया आपके पास तो आप कुछ करेंगे या चिल करेंगे सर करेंगे क्या करेंगे शाबाश आप इन्वेंटरी जो चीज आपके पास जीरो हो गई है आप उसका ऑर्डर प्लेस करेंगे कि इससे पहले कि अगला कस्टमर उसी तरह की मेडिसिन लेने के लिए आपके पास वो चीज होनी चाहिए एम आई राइट बिल्कुल ओके फाइन तो ये अभी एक चौथी टर्म यहाँ पे किसी ने बोली थी वो बोली थी जनाब इंटरप्रिटेशन इंटरप्रेट करना तो इंटरप्रेट करना या रिजल्ट्स प्रिपेयर करना या कोई रिपोर्ट प्रिपेयर करना उसके लिए हमारे पास कोई समराइज वर्जन होगा तो हम अगला उस पर डिसीजन मेकिंग की तरफ जा सकते हैं रिकॉर्ड करेंगे फाइन आपने कहा सेव किया सेव करने के बाद अगर आपने उसको क्लासिफाई कर लिया इन्फॉर्मेशन को तो आपकी ज़िंदगी आसान होगी अगर आपने उसकी समरी प्रिपेयर कर ली है तो ज़िंदगी मज़ीद आसान होगी ओके लेट्स अज्यूम कि हमारे पास कोई बुक होती है कोई किताब
any textbook, kisi bhi subject ki. So if you will see that, to like the first kar lein, wo accounting ki book hai, to us sari kitab ke andar jo knowledge bikhra pada hoga, wo sari ki sari information usme save ki gayi hogi, wo kis subject se related hogi? Biology se. सर अगर अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है तो अकाउंटिंग से नहीं, वो सब्जेक्ट तो अकाउंटिंग का नहीं है, वो किताब अकाउंटिंग की है. तो सवाल ये है कि उस अकाउंटिंग का ही होगा या कुछ और होगा? सर डेफिनेटली अकाउंटिंग का ही होगा. शाबाश शाबाश. अगर वो अकाउंटिंग का है तो लेट मी आस्क यू कि आप इसमें से कोई चीज मुझे तलाश कर दें. तो आप उस किताब को देखेंगे, एक तो ये है कि वो 1500 सफ़ों की किताब, आप ए टू जी सारी किताब को गो थ्रू करें और फिर कहें ये चीज जो आपने पूछी है मिल गई है. लेकिन उसका आसान हल ये है, बजाय इसके कि आप उस सारी किताब को गो थ्रू करें, आप क्लासिफाई हुआ हुआ देखेंगे उस किताब को डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर. एम आई राइट? बिल्कुल करेक्ट सर, सही कह रहे हैं. आप उसको देखेंगे कैटेगराइज हुआ हुआ, तो क्लासिफाई या कैटेगराइज हुए हुए होने के साथ आप उसकी समरी भी देख रहे होंगे इन द फॉर्म ऑफ टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स. बिल्कुल सर, बिल्कुल होगा. तो ये जो तीनों काम मैंने अभी बताया कि रिकॉर्डिंग है, क्लासिफिकेशन है, समराइजेशन है, इसका अकाउंटिंग से कोई लेना देना नहीं है. ये पूरी दुनिया में ये काम होते हैं, पहले भी होते हैं, आज भी हो रहे हैं, होते रहेंगे. और ये हमारे सामने प्रैक्टिकल एग्जांपल मौजूद है कि रिकॉर्डिंग का मतलब सेव करना है. तो सेव्ड इंफॉर्मेशन है उस अकाउंटिंग की किताब में रेलेवेंट टू अकाउंटिंग, उसको क्लासीफाई कर लिया गया टू मेक द सर्च ईजी, उसकी समरी बना ली गई अपने सर्च प्रोसेस को मजीद आसान बनाने के लिए. अगर हमें पता लगे, मैं कुछ चीज़ आपसे पूछता हूँ और आपको टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स देख के पता लगता है कि नहीं, इससे रेलेवेंट इस किताब में कुछ नहीं है, तो इंस्टेड के आप उसके चैप्टर्स खोलें, इंस्टेड के पूरी किताब पढ़ें, इट्स बेटर टू गो टू सम अदर बुक एंड सर्च योर रेलेवेंट स्टफ. एम आई राइट जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल. ओके, फर्ज कर लें जैसे मैंने वो फार्मेसी वाली मिसाल दी और अभी वाली बात भी हुई कि आपको नहीं मिला, तो क्या करेंगे? कोई फैसला करेंगे? कोई रिजल्ट? आसिफ जावेद साहब ने हैंड रेस किया हुआ, जी मैं जरा उनको बात करने का मौका दे रहा हूँ. जी आसिफ, आसिफ जावेद साहब प्लीज. वालेकुम अस्सलाम आसिफ साहब, आपकी आवाज बहुत हल्की है. अच्छा जी प्लीज, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है या नहीं ये बता दीजिएगा, और थोड़ा सा ये बता दें आप क्या कहना चाह रहे हैं. आपने पूछा हुआ था कि क्लासिफिकेशन से क्या मुराद है ना? ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में ये होता है कि हम किसी भी चीज को ग्रुपिंग में डिवाइड कर देते हैं. शाबाश. फॉर एग्जांपल, कभी भी हमें उसकी रिक्वायरमेंट्स पड़े तो हम उसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकें, ये कहां पे पड़ी हुई है. दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट. तो उसके बाद आ जाती है बात समराइजिंग की. आप बात कर रहे थे सर. जी जी जी. तो समराइजिंग में सर इस तरह होता है, जैसे कि आप मेडिकल स्टोर पे चले जाए, आजकल किसी भी बिजनेस में आप देखें तो आजकल कंप्यूटराइज्ड सिस्टम का यूज हो रहा है. जी ठीक है. तो उसमें उनका ज्यादातर डेटा जो होता है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है. राइट. तो उनका जो भी रिकॉर्ड होता है, जैसे कि हम ईओक्यू जिसे बोलते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को मेंटेन करना. जी जी. तो वो अपनी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मेंटेन करते हैं ताकि ना ही वो कस्टमर को लूज करें और ना ही वो उनको जो स्टोरेज कॉस्ट है वो ज्यादा पड़े. जी बिल्कुल ठीक है. तो वो उसके लिए जो है एक समराइज रिपोर्ट बनाते हैं ताकि उन्हें ये पता चलता रहे. और उन्हें फॉर एग्जांपल अगर ऑर्डर आ जाता है कि 10 to 20 पीसेस हमें चाहिए, तो उसके हवाले से वो कंप्यूटर पे जाके पहले देखेंगे कि हमारे पास पड़े कितने हैं. उसके बाद वो कस्टमर को फौरन जो है वो रिप्लाई देते हैं कि हम ये आपका ऑर्डर जो है वो मतलब रिसीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे. जी ठीक है. और इसके अलावा सर, जो लास्ट आपने कौन सा पॉइंट बोला था इसका? जी मैंने तो यही बोला बस, आपने अच्छा बोला है जो आपने बताया है. मैं सिर्फ एक चीज़ जो समझने के लिए बात कर रहा था और आप लोगों से फीडबैक ले रहा था, वो ये था कि आर यू इन यू नो अलाइव, मौजूद हैं? अगर समझ आ रही है तो वेल, अगर कोई इशू आ रहा है तो शोर मुझे साथ साथ. आप अगर कोई हैंड रेज करते हैं और इस चीज़ पर डिस्कशन में आपको इशू आता है तो आप हैंड रेज रखें, अदरवाइज यू कैन लोअर योर हैंड ऑल्सो. क्योंकि थोड़ा सा फिर रिटर्न फॉर्म में हम जो क्वेश्चन करते हैं काइंडली उनको रिप्लाई आप कर दिए गए. बच्चे मैं बात कर रहा हूँ, बात करने के बाद मैं ये बाद में बंद करके रिप्लाई कर दूंगा. अगर आप सवाल करना चाहें तो करें. आपका सवाल क्या है? यू कैन रेज योर क्वेश्चन, पूछिएगा जी प्लीज आसिफ साहब.
सर ये आप जिस मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में बात कर रहे हैं उसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में पूछ रहा था। नहीं, वो तो देखिए जेंटलमैन, एक तो ये है कि मैं आपका सवाल का जवाब दूं, जो आपका कंसर्न होगा वो आप रेज हैंड करेंगे और यहाँ पे बात कर लीजिएगा, और अगर आंसर क्वेश्चन एक है, आपने अपना फीडबैक देना है, फाइन जी बिल्कुल, आप अपना फीडबैक दे रहे हैं, लेकिन आई एम आस्किंग सम क्वेश्चन और आप उसका जवाब दे रहे हैं। अगर उसमें आपको जवाब देने का मौका नहीं भी मिलता, बिकॉज ये 100 से ज्यादा की क्लास है, तो डजंट मैटर कि आपको जवाब देने का मौका नहीं मिला। क्वेश्चन ये कि आपको चीज समझ आ गई है, अगर समझ आ गई तो दैट्स फाइन, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आई तो जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, आई वुड रिक्वेस्ट कि सिर्फ उसमें वो सवाल लिखें कि क्या चीज आपको समझ नहीं आ रही। जैसे मैं ये क्वेश्चन आंसर क्योंकि एट अ टाइम अगर मैं आपके हैंड रेज भी देख रहा हूँ और क्वेश्चन भी देख रहा हूँ, इट विल बी डिफिकल्ट टू कॉन्सेंट्रेट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो मैं ये देख रहा हूँ क्वेश्चन आंसर में ये भी लिखा हुआ है कि टाइमिंग क्लास की चेंज हो सकती है, इसमें इस तरह की बातें भी लिखी हुई है, तो मीन डजंट मीन मैटर। तो अगर सवाल तो ये बिल्कुल नहीं है, सवाल तो कुछ और है कि जो बात हो रही है आप उसको समझ नहीं पा रहे तो आप सवाल रेज करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर में वो बातें लिखें जो आपको समझ नहीं आ रही, इंस्टेड कि ये जो जनरल टॉक है, ये जनरल टॉक तो हम बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व इसलिए कर रहे हैं ताकि अपना अपना वर्जन आ जाए और थोड़ी सी क्लास के अंदर भी अलाइव रहे। अभी आई हैव सीन अ मैसेज के नमाज के लिए 5 मिनट की ब्रेक कर लें। आई वुड आल्सो ट्राइंग टू आस्क यू पीपल जो लाहौर में हैं प्रॉबेबली और इस्लामाबाद में, उनके लिए पंजाब वाले ज़्यादातर एरियाज हैं, नमाज का वक़्त मगरिब का हो गया है, तो वी कैन हैव 5 to 7 minutes ब्रेक नमाज के बाद। हम सिर्फ 5 मिनट में ज्वाइन करें, 5-7 मिनट के अंदर, और यहीं से कॉन्टिन्यू करेंगे। लेकिन अगर कोई सवाल हो तो ज़रूर आप पूछें, आई विल अप्रीशिएट। जर्नल जो प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए भी मैं आपको फोरम दे दूंगा, अभी ये बात कंक्लूड करके आप जर्नल जो क्यूरीज हैं वो भी रेज कर लीजिएगा इंस्टेड कि आप टाइप करते हैं। ठीक है जी, तो लेट्स हैव अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स, फॉर 5 to 7 minutes फॉर प्रे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। आप लोगों के लिए एक दूसरे की रिपोर्ट है वर्ष के वाले से, तो ऐसे कीजिएगा जिन लोगों के पास मोबाइल है अवेलेबल है और वो लैपटॉप पे या फिर डेस्कटॉप पे यूज कर रहे हैं, तो एक क्यूआर कोड जो है वो शेयर किया जा रहा है, तो काइंडली उसको स्कैन करें तो आप जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें एड हो जाएंगे। तो काइंडली जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस क्यूआर कोड को वो स्कैन करें।
स्कैन करने के लिए आपको व्हाट्सएप जो ओपन करेंगे राइट साइड पे सर्च ऑप्शन है उसके साथ थ्री जो बटन अवेलेबल है थ्री डॉट्स अवेलेबल है उसकी ऑप्शन में जाएंगे तो होगा व्हाट्सएप वेब व्हाट्सएप वेब को जब ओपन करेंगे तो वहां पर स्कैनिंग शुरू हो जाएगी तो इसको जो है वो स्कैन करें स्कैन करने के साथ साथ जो है वो आप ग्रुप पे भी ऐड हो जाएंगे मैनेजमेंट अकाउंट के दोबारा रिपीट कर देता हूं ये व्हाट्सएप ग्रुप के लिए क्यूआर कोड शेयर किया हुआ है आप इसको व्हाट्सएप ओपन करके राइट जो ऑप्शन है थ्री बटन बने होंगे राइट साइड पे उसे क्लिक करें टॉप के ऊपर उसके अंदर ऑप्शन है व्हाट्सएप वेब की आप उसको ओपन करें और उसके बाद उसको स्कैन करें अगर ऑटो स्कैन नहीं हो रहा राइट साइड पे प्लस का जो है वो बटन प्रेस करें स्कैनिंग दोबारा स्टार्ट हो जाएगी जो आप मोबाइल से जो है इस टाइम कनेक्टेड है और मोबाइल से ही लेक्चर ले रहे हैं उन लोगों के लिए मोबाइल नंबर मैं शेयर कर रहा हूँ मेरा नाम राणा सुनील पाल है मेरा मोबाइल नंबर है 0346-4819-424 जिन स्टूडेंट्स का ग्रुप में ऐड नहीं हो रहा वो यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं और उनको फिर ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा सॉरी सर ये नंबर रिपीट कर सॉरी अजहर क्या कह रहे हैं आप सर जी ये नंबर जरा रिपीट कर दें ताकि दोबारा देख सकें मैं रिपीट कर देता हूँ नंबर है 0346-4819-424 बेहतर ये है कि क्यूआर कोड स्कैन करके तो डायरेक्ट आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे जिन लोगों का इश्यू आ रहा है स्कैनिंग के वाले से उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो एकदम चेक कर लें कि उनका व्हाट्सएप जो है वो अपडेट है कि नहीं
एसेट्स, जिन लोगों का अभी तक ऐड नहीं हुआ उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और नंबर जो है मैं दोबारा बता देता हूँ 03464819424। नाम सुनील पाल सर, मुझे सुन सकते हैं आप? अरे तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं जी। थैंक यू वेरी मच जी स्टूडेंट्स। जी आपको, जी मुझे आवाज आ रही है सोहेल सर, आपको आवाज आ रही है? ओके जी, ओके थैंक यू सोहेल सर। जी निम्रा, यू हैव रेज्ड योर हैंड, आपको सवाल पूछना चाह रही हैं, बात करना चाह रही हैं, प्लीज। जी निम्रा, यू आर अलाउड टू टॉक, बात करना चाह रही हैं आप, प्लीज बात कर लें। यूसुफ इकबाल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ताहिर जमान सर, कैन यू हियर मी? जी आई कैन हियर यू जी, प्लीज मैं बोलिए। बस सर मुझे मोबाइल नंबर चाहिए था एक्चुअली। मैंने जी उन्होंने बोला लेकिन मुझे समझ में नहीं आई 4819 के बाद। आपको मोबाइल नंबर जो साहब बोल रहे थे उनका चाहिए? जी जी जी, जो राणा सोहेल साहब जो आए थे ना जी, राणा सोहेल से। लेट मी अगेन स्पीक सर। जी प्लीज। डियर नंबर है 03464819424। और एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जब आप ज्वाइन किया करें अपना नाम और साथ रजिस्ट्रेशन नंबर, अपने नेम जो नेम आता है आपका वहां पर लिखा करें, और जो लोग नहीं कर रहे अभी तो उनका नाम जो है वो रीनेम भी कर सकते हैं, तो रीनेम कर लिया रीनेम को और इसमें अपना नाम और उसी जगह आप स्पेस देके आगे रजिस्ट्रेशन नंबर मैंशन कीजिएगा। ये मैं ऑनलाइन क्लास के हवाले से बात कर रहा हूँ। जी वेलकम। जी जेंटलमैन, बात को कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हम बात कर रहे थे। अभी कोई और इस नंबर वगैरह के अलावा बात करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज आई विल कंटिन्यू व्हाटएवर वी वर डिस्कसिंग अर्लियर। जी जी सर, ये अभी हमारे पेपर सी भी होंगे। जी थैंक यू वेरी मच। जी जेंटलमैन, पेपर सी भी होंगे या फिजिकल होंगे इसका अभी थोड़ा सा प्री मैच्योर है बताना। रीजन इज बीइंग दैट गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है। यू नो वेरी वेल
अगर गवर्नमेंट अलाउ करेगी तो फिजिकल भी हो सकते हैं, अदरवाइज सीबीआई पे भी जाया जा सकता है। बट प्रेशर में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना, जो हम नहीं कोई ट्रायल करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैं क्योंकि अभी आपका पहला दिन है तो बहुत सारी चीजें जब आगे चलते जाएंगे तो आपको समझ आता जाएगा। लेट मी क्लैरिफाई टू यू, देखें अगर वो सीबीआई होता है या वो रिटन एग्जाम होता है, इन आइदर केस जो टेस्टिंग हमारे यहाँ एग्जामिनेशन में होती है वो कॉन्सेप्ट्स की होती है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट्स किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए उसका बेसिक बुनियाद पिलर है, वो किसी सूरत भी चेंज नहीं होंगे। हम उसको एग्जाम में प्रेजेंट करने का तरीकाकार चेंज कह सकते हैं। अगर आप कहें कि वो रिटन एग्जाम में बिल्कुल कोई और नॉलेज टेस्ट होगा और कंप्यूटर बेस्ड में कोई और नॉलेज टेस्ट होगा, नॉलेज यही टेस्ट होगा, बस उसमें आपको कंप्यूटर पे कुछ करना होगा प्रॉबेबली, और यहाँ पे आपको हैंड रिटन करना होगा, तो इसमें कोई फर्क नहीं है। अगर आप कहें प्रिपरेशन में कोई फर्क है, बिकॉज एग्जामिनेशन पैटर्न जो है वो रफली 80-90% जो है वो उसी तरह से स्टैंड करता है, मैच करता है जो बेसिक हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके साथ। तो इंशाल्लाह जी जी फॉर्मेट में थोड़ा मसला होता है, मैंने एफसीएमए और ना अकाउंटिंग के पेपर दिए हैं सीबी बेस्ड, जी तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं उसके फॉर्मेट में थोड़ा इशू हो जाता है। ठीक है जी, चले वो आगे चलेंगे तो इंशाल्लाह वो भी आपको एक्सप्लेन करेंगे कि उस उन इश्यूज को किस तरह से रिजॉल्व किया जा सकता है। बट मैं इस चीज़ को बिल्कुल क्लैरिफाई करूंगा, ये बात जहन में रखिएगा, अकाउंटिंग याद करने वाला सब्जेक्ट नहीं है, राइट जी सर। अकाउंटिंग कॉन्सेप्चुअल चीज है, और अगर आप कॉन्सेप्ट समझ आते हैं तो यू कैन अप्लाई इट एनीवेयर, किसी भी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसको एक एग्जांपल से आपसे शेयर कर देता हूं। आप बीइंग अ मेल यू नो स्टूडेंट, आप मोटर बाइक शायद चलाते हो, मोटरसाइकिल से, तो आप जिस ब्रांड की मोटरसाइकिल चलाते हैं, अगर आपको किसी और ब्रांड की मोटरसाइकिल दे दी जाए और कहा जाए इसको चलाया जाए, तो आप बिल्कुल जीरो नहीं हो जाते। अगर वो किसी भी ब्रांड की होगी, अगर उसमें लाइक गियर सिस्टम का डिफरेंस भी होगा, यू नो इट, कि कुछ ऐसी मोटरसाइकिल है जिसके अंदर जो गियर सिस्टम है उसका फर्क होता है, आगे की बजाय पीछे या पीछे की बजाय आगे गियर लग रहे होते हैं, तो आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? ये कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो जेंटलमैन, इनफैक्ट अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट दैट। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ें, इट्स नॉट ओनली अबाउट अकाउंटिंग, आपको ये समझना है कि इसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है। ये मेरी जिंदगी में, मेरी पर्सनल लाइफ में, मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ, अगर इफ़ यू आर वर्किंग समवेयर, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, इफ़ यू आर एंटरप्रेन्योर, आप किसी जगह पे बिजनेस कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, आपके इर्द गिर्द की जो जिंदगी है, पर्सनल लाइफ है, आप उसको अप्लाई करेंगे, ये चीज़ कहाँ पे अप्लाई होती है। जब आप उसकी एप्लीकेशन समझ जाएंगे तो आप उसको एग्जाम व्यू पॉइंट से भी सॉल्व कर लेंगे, किसी चीज को एड्रेस कर सकेंगे, और एग्जैक्टली आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ में भी अप्लाई कर सकेंगे। तो कॉन्सेप्ट्स, हमारा जो लोग थोड़ा बहुत मुझे जानते हैं, लाहौर से जो बिलोंग करते हैं, मैं रिइटरेट कर दूं, हमारा ज्यादातर जो फोकस है वो इस सब्जेक्ट के अंदर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे है। हम कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे। मैं आपके सामने कोई एक टॉपिक जो डिस्कस करना स्टार्ट करूंगा आज के बाद से, आज जो कि इंट्रोडक्टरी सेशन है, आज हम सिर्फ सब्जेक्ट समझ रहे हैं। ये सब्जेक्ट हमें पढ़ना क्यों पड़ रहा है? एक रीजन तो हमारे सामने है कि हमने आईसीएमए में एग्जाम देना है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, तो इसलिए पढ़ना पड़ रहा है। बट नॉट अबाउट दैट, हमें इस सब्जेक्ट के वजूद में आने की रीजन पता होनी चाहिए, व्हाई दिस सब्जेक्ट इज बीइंग यू नो डेवलप्ड, और हमें क्यों पढ़ाया। अगर हमें ये समझ आ गया तो इसका मतलब इसके बाद हम आगे चलेंगे तो हम आपको बताएंगे कि कल हम ये पढ़ने जा रहे हैं, तो इट्स मोर देन आइडियल कि आप उस टॉपिक को पहले से पढ़ के आए। वट एवर आई एम टेलिंग यू, आप उस पर अपना हैंड रेस करके क्वेश्चन करें कि जी मुझे ये समझ आ गया है या ये समझ नहीं आया। अभी आपका क्लास का एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया गया है, आपको पता है आपको क्यू आर कोड शेयर हुआ है? Yes, right, okay. तो जो लोग क्यू आर कोड को ज्वाइन करते जाएंगे, तो मैं अभी आफ्टर द एंड ऑफ द क्लास, जितनी बातें मैं अभी आपसे बयान कर रहा हूँ, जो मैंने अभी आपके सामने स्लाइड शो ओपन किया हुआ था, अभी मैंने उसको दोबारा हाइड कर दिया है, वो मैंने चलाया नहीं है क्योंकि मैंने सारा कुछ उस पर लिख दिया हुआ है कि जो मैं बात कर रहा हूँ, बट लेटर ऑन मेरी बातों के बाद आप उसको पढ़ लीजिएगा, फाइन। और मैं उसी ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, जो सॉफ्ट फॉर्मेट के अंदर जो बुक है,
जो इनिशियली हम रेफर करेंगे इस सब्जेक्ट के लिए मैनेजेरियल अकाउंटिंग बाय गैरिसन नॉरीन, ये किताब जो है उसका जो सॉफ्ट वर्जन है वो भी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं जी? जी सर। तो होगा ये, तो बाकी लोग भी सुन रहे हैं, मैं इनफैक्ट पैटर्न बता रहा हूँ, होगा ये कि लाइक मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि हम ये बात आज कर रहे हैं, आज और कल हमारा इंट्रोडक्टरी हम बेसिक कॉन्सेप्ट पर बात कर रहे हैं, और जो नेक्स्ट वीक से हमारा सेशन होगा मैं आपको टाइम दूंगा, यानी हम अगले वीक में ये टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो किताब से आपको मिलेगा टॉपिक, आप उसको इन एडवांस किताब से थेरी पढ़ें, कोई न्यूमेरिकल कोई कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ थेरी पढ़नी है उसकी, और आप थेरी पढ़ के तशरीफ लाएंगे। व्हेन आई विल बी स्पीकिंग मैं उस पर एक कॉन्सेप्ट, पहला जो होगा किसी भी टॉपिक के हवाले से लेक्चर, वो उसकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे होगा, वो टॉपिक क्या है, क्यों ईजाद हुआ, उसकी प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस क्या है, और उसके अंदर क्या कुछ सब कॉन्सेप्ट हैं वो हमें समझ आ रहे हैं। मैं उसके साथ कोई एक एग्जाम्पल, कॉम्प्रीहेंसिव एग्जाम्पल आपके सामने सॉल्व भी कर दूंगा। आई यूज वाइट बोर्ड जो यहाँ पे आपको नजर आएगा, और आई ऑल्सो मैं ऑल्सो यूज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में उसको सॉल्व कर दूंगा, वो फाइल भी आपसे लेटर ऑन शेयर कर दिया करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव ये होगा कि आप एक कॉम्प्रिहेंसिव चीज जो है वो सामने देख लें कि किस तरह से इसको लेआउट क्या होता है, इफ़ यू वॉन्ट टू प्रजेंट दैट रिपोर्ट जो हम बनाने जाएंगे वो कैसे प्रजेंट करनी है, आपके सामने एक लेआउट आ जाएगा, एक कॉम्प्रिहेंसिव सी इलस्ट्रेशन आपके सामने सॉल्व हो जाएगी। Now game is in your, you know, ball is in your court. अब बॉल आपके कोर्ट में होगी, आपको टास्क असाइन किया जाएगा जो हम रिकमेंडेड रीडिंग अभी रेफर कर रहे हैं, एटलीस्ट सबसे पहले नंबर पे एटलीस्ट उस किताब से आप थेरी पढ़ेंगे, और अगले लेक्चर के अंदर आप उससे रिलेटेड जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, आपको कॉन्सेप्चुअल फर्क नजर आया कि मैंने कोई बात बयान की है और आपने किताब से पढ़ी है, तो यू विल फील इट कि ये समझ नहीं आ रहा, शायद मैंने कुछ और बताया था या किताब में कुछ और लिखा हुआ है, आप उस सवाल को मेरे साथ डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। मैं आपको दूसरा जो टास्क साथ मिला होगा कि कुछ जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करें, अगर आप उसको सॉल्व करेंगे एंड यू फील सम प्रॉब्लम इन दैट, तो आप अगले दिन उसको वन बाय वन, मतलब मैंने इसीलिए कहा कि एक किताब हम सारे लोग इनिशियली फॉलो करेंगे ताकि सारे लोग एक पेज पे हों, एडिशनल रिसोर्सेज सारे पढ़ सकते हैं, आई कैन ऑल्सो रेफर एडिशनली, मैं वो भेज दूंगा रिसोर्सेज भी, लेकिन इनिशियली हमें किसी एक चीज को टारगेट करना है ताकि हम सारे लोग एक पेज पे, एक नॉलेज बेस पे आ जाएं, और फिर उन चीजों को इंशाल्लाह आगे लेके चलेंगे। ये थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू दिया है अभी। तैयबा, यू रेज योर हैंड, आपको बात करना चाह रही हैं, बात कर लें प्लीज। अस्सलाम सर। सर, कोई व्हाट्सएप ग्रुप बने एमबीए का, उसमें अगर ऐड होना हो जहाँ पे आप जिस बुक की बात कर रहे हैं वहाँ? जी, मैं ये जो ग्रुप एडमिन है उनका नंबर बता रहा हूँ, मेरे ख्याल में अभी बताया भी गया था, 0346, अब चूंकि ज्यादातर लोग मौजूद हैं नोट कर लें, 0346 481 9424। थैंक यू सर। ठीक है जी, इनको करेंगे तो ये आपको QR कोड भेज देंगे, आप उस QR कोड से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। फाइन जी, ठीक है। तो जब आप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो मैं उस ग्रुप के अंदर, क्योंकि मैं अभी वो कर रहे हैं, ग्रुप अपडेट हो रहा है, तो जैसे ही अपडेट होगा मैं क्लास भी जब एंड करूंगा तो मैं किताब आपसे शेयर कर दूंगा। फाइन जी, बात समझ आ रही है मेरी जी? अब्दुल राफे भी कुछ बात करना चाह रहे हैं प्लीज। अब्दुल राफे नहीं बात करना चाह रहे। इलियास साहब, आप कुछ बात करना चाह रहे हैं? जी हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। जी अब्दुल राफे साहब को, इलियास साहब पहले मौका दीजिएगा। जी अब्दुल राफे, आप बोलिए। एक सेकंड, मैं तुझे तो साइड पे किया हुआ, एक सेकंड हाँ, तो स्पीकर पे बोल। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर 15 सितंबर के बाद यूनिवर्सिटीज और कैंपसेस वगैरह ओपन होते हैं तो क्लासेस ऑनलाइन ही होंगी या फिजिकल क्लासेस होंगी फिर उसके बाद? आप अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दें, हम उसको नोट कर लेते हैं। अगर गवर्नमेंट ने इजाजत दी तो वैसे ही ICMA मैनेजमेंट भी डिसीजन करेगी और आपको कम्युनिकेट कर देगी, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, ये वैसे मैं सारे लोग को इस तरह के सवाल करेंगे तो हम पढ़ेंगे कम और इस तरह के सवालों के जवाब जरा कम ज्यादा देंगे।
सर ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कैंपस से बीएन के रिप्लाई आंसर वगैरह सही नहीं मिलते, तो इसलिए कोई बात नहीं, मैं कोई ऐसी बात नहीं है, मैं सिर्फ आपको जवाब मैं दूंगा, जवाब जरूर दूंगा, लेकिन मैं वैसे जनरल आपको शायद समझा भी रहा हूँ कि देखिए जो जब वक्त आएगा ऑब्वियसली आप इस चीज को समझे, बिकॉज न्यूज सारे लोग सुनते हैं। अभी गवर्नमेंट ने 7 सितंबर को मंडे को शायद कोई मीटिंग हो, उसके बाद फर्दर वे आउट वो डिसाइड करेंगे, और अगर वो ओपनिंग होती भी है गवर्नमेंट के स्टांस के मुताबिक वो ग्रेजुअल रीओपनिंग है, ऑल ऑफ अ सडन सब कुछ ओपन नहीं करने जा रही गवर्नमेंट। तो इस सारी चीज के अंदर ICMA की मैनेजमेंट भी सोचेगी अकॉर्डिंगली जो बेस्ट होगा स्टूडेंट्स के लिए, गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस को कंप्लाई करते हुए उसी तरह से फैसला करेंगे, और आपके लिए भी इंशाल्लाह बेहतर होगा, आप इस चीज पर परेशानी ना लें अपने लिए। ठीक है जी, ठीक सर, थैंक्स लॉट। इलियास साहब प्लीज, कुछ कहने लगे थे आप जी? मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने वीडियो ऑन की हुई है? मैंने वीडियो ऑफ की हुई है, नहीं वो मैंने जो स्क्रीन शेयर की हुई थी फिलहाल मैंने स्टॉप कर दी है, क्योंकि वो मैं और बातें शुरू हो गई थी तो इसलिए जी। ओके चले, मैं जरा दोबारा उस चीज पे आ जाऊं कि जो हम बात कर रहे थे, मैंने अब कुछ और खोल दिया है इसलिए, चूंकि आप लोग अभी जो हमने बात की थी वो जो वर्ड्स बोले हम उनकी बात कर लेते हैं जी। रिकॉर्डिंग की बात हुई थी जी, फाइन, क्लासिफाइंग की बात हुई थी, समराइज करने की बात हुई थी, और क्या हुई थी जनाब? इंटरप्रेट करने की बात हुई थी, इंटरप्रिटेशन, और इसके अलावा एक वर्ड बोला गया था ट्रांसैक्शन। स्क्रीन तो नजर आ रही है जी अब आपको? जी इलियास साहब आप ही बता दें, आपको नजर आ रही है? जी सर आ रही है। चलें बस ठीक है, ओके ये भी वर्ड बोलेंगे, और हमने मैं थोड़ा सा रीकैप कर रहा हूँ क्योंकि टाइम भी थोड़ा सा कम है, तो हम जरा इस चीज़ को आज के हवाले से कंक्लूड करना चाह रहे हैं कि अभी तक जो हमने बात की है, हमने ये बोला कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो क्या है हमें समझना है, तो उसको समझने से पहले हम अकाउंटिंग को समझने में घुस गए। तो हमने अकाउंटिंग पूछा आवाम से, तो आवाम ने हमें बताई कुछ अल्फाज, ये प्रोसेसेस कह लें इनको कहा गया, या ये टर्म्स यूज की गया, तो हमने कहा पहले इन टर्म्स को समझते हैं, देन वी कैन गो अहेड। रिकॉर्डिंग की बात हुई, क्लासिफिकेशन की बात हुई, हमने समझाई रिकॉर्ड करने का मतलब सेव करना होता है अकाउंटिंग ना भी हो तो, क्लासिफाई करने का मतलब उसी रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन को कैटेगराइज करना है, समराइज करने का मतलब उसी रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन की समरी बनाना है, और इंटरप्रिटेशन का मतलब उससे अगला स्टेप है, उससे अगला स्टेप इंटरप्रिटेशन रिजल्ट्स प्रिपेयर करना है। जैसे अभी बात हो रही थी कि हम एक फार्मेसी में जाते हैं तो उसके पास जो कुछ भी स्टोर में पड़ा हुआ है, फार्मेसी के अंदर पड़ा हुआ है, वो समरी फॉर्मेट के अंदर अवेलेबल है उसके पास, उस कंप्यूटर के अंदर इफ़ यू वांट टू बाय समथिंग, हम प्रेजेंट करते हैं और उनको लगता है कि ये क्वान्टिटी उनके पास आपको देने के बाद ख़त्म हो जाएगी, तो ही नीड टू मेक सम डिसीजन, कोई फैसला करना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योर हैं आप खुद बिजनेस के मालिक हैं, आपको कोई डिसीजन करना पड़ेगा। वो डिसीजन क्या हो सकता है? वो डिसीजन ये हो सकता है कि जो चीज़ ख़त्म होगी आप उसको बाय करना पसंद करेंगे, मज़ीद बाय करें ताकि कल को कस्टमर आता है तो उसको वो चीज़ सेल की जा सके। आप ये जो फैसला करना चाह रहे हैं उसके लिए वो समरी आपको हेल्प कर रही है, वो जो समरी प्रिपेयर हुई है वो शायद उस क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन से प्रिपेयर हुई है, वो जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन पहले मौजूद थी तो उसको क्लासिफाई किया गया। सो हमने इसको एक किताब से भी समझा, एक बुक से भी समझा कि अगर एक किताब को किसी भी टेक्स्ट बुक को किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड देखेंगे तो उसमें सब्जेक्ट से रिलेटेड तमाम के तमाम इंफॉर्मेशन सेव है, उस तमाम इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई भी किया गया है इन टू द चैप्टर्स, उस तमाम इंफॉर्मेशन की समरी भी बनाई गई है इन द फॉर्म ऑफ टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स, उस तमाम इंफॉर्मेशन की समरी की बुनियाद पे हम मुख्तलिफ फैसले कर रहे हैं। इफ़ यू आर आस्क्ड टू डू समथिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बुक, आप सर्च करते हैं और आपको नहीं मिलता तो यू नीड टू डिसाइड कि आप कोई और किताब करें। तो इस सारी चीज़ों को आपने अकाउंटिंग से भी रिलेट किया है, हमने ये जनरली समझा। ट्रांजेक्शन बोला गया था, ट्रांजेक्शन कोई बला होती है, तो कोई बता सकता है ट्रांजेक्शन किसे कहते हैं? एनी वन ये जो लोग वैसे ही हाथ खड़ा कर रहे हैं मुझे अब समझ नहीं आ रही, अगर तो जनरल क्वेश्चंस है, वकास साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो पूछ लें जी। जी सर,
अगर आपका सवाल का जवाब हो जाए तो काइंडली अपना जो हैंड है वो लोवर कर लिया करें, आप खुद लोवर कर सकते हैं। चलें, वो कुछ इस तरह समझ नहीं आता ना कौन सवाल करना चाह रहा है। जी नेहा कोई बात करना चाह रही है? जी नेहा बात कर लें। शाइस्ता बात करना चाह रही है? औलाद के लिए किया था लेकिन मैं ट्रांजैक्शन के बारे में बताना चाहूंगी। हमने एफसीएम में पढ़ा था कि ट्रांजैक्शन लेन देन नहीं होता, कोई भी इवेंट होता, इवेंट वो मॉनेटरी नहीं, वो नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है, ठीक है, मतलब सिर्फ कैश की लेन देन या कैश का कोई इवेंट नहीं। जैसे अगर हमने उधार पे किसी को माल पहुंचा भी दिया तो ये एक इवेंट हुआ ना, कुछ हुआ ना, काम हुआ, तो उसे भी ट्रांजेक्शन कहते हैं। सो ट्रांजेक्शन मीन्स इवेंट्स, इवेंट्स आप कह रहे हो मॉनेटरी हो सकते हैं और नॉन मॉनेटरी हो सकते हैं, am I right? Yes, sir. अच्छा चलिए इस चीज को थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लें, ट्रांजेक्शन इवेंट्स को ही कहते हैं लेकिन सिर्फ मॉनेटरी इवेंट्स को कहते हैं, नॉन मॉनेटरी इवेंट्स को ट्रांजेक्शन ही कहते हैं। अब मॉनेटरी से क्या मुराद है? मॉनेटरी से मुराद कैश रिसीव करना या कैश पे करना नहीं होता। ये वर्ड मॉनेटरी निकला हुआ है मनी से, जिसमें मनी इन्वॉल्वड है। एनी इवेंट विच इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी वो मॉनेटरी इवेंट कहलाता है। अब जरा इस बात को समझने की कोशिश करिएगा, आप मार्केट जाती हो किसी, आप लाइक गारमेंट्स के स्टोर पे चले गए हो, आपने वहां पे कुछ कपड़े देखे हैं, आप देख के रैक में या जैसे डिस्प्ले में लगे हुए थे, आप निकलवाते हो सकता है आपने ट्राई भी किए हो, वो रेडीमेड गारमेंट्स थे, आपने उसको वापस कर दिए और आप उसके बाद वहां से निकल गए, तो इवेंट तो ये भी हुआ। मॉनेटरी इवेंट नहीं है, इट इज नॉट मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। आपने उसको ट्राई किया, ट्राई करने के पैसे नहीं देने आपने उसको, आप अगर उसको बाय कर लेते हो उससे और पैसे नहीं भी देते, आप उसको कहते हो मैं कल, आपका कोई फर्ज कर लें फैमिली में जानने वाला है, आप उसके पास गए हुए हो, आप कल दे दोगे परसों दे दोगे, तो वो जो इवेंट हो रहा है बाय करने वाला, वो मॉनेटरी टर्म्स में मनी टर्म्स में मेजरेबल है, कितनी वर्थ का है। आप दही बल्ले वाले से पूछ, मैंने मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी का मतलब यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि जरूरी नहीं वो पैसे की सूरत। जी शाबाश, मैंने इसीलिए कहा इस चीज को क्लैरिफाई करें, मॉनेटरी का मतलब ही ये होता है जिसमें मनी की इन्वॉल्वमेंट हो, मनी का रिसीव होना या पे होना शर्त नहीं होती, ठीक है। तो जिस वजह से आप कह रहे हो ना कि इसमें क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी आती है, तो वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन जो होती है वो मनी टर्म्स में मेजर तो हो जाती है, पे या रिसीव नहीं किए जाते पैसे, तो इसीलिए मॉनेटरी इवेंट्स को ही ट्रांजेक्शंस कहा जाता है। बिकॉज एक बिजनेस के अंदर तो हजारों इवेंट्स होते होंगे, एक शॉपकीपर जो है वो सुबह आके शॉप ओपन भी करता है, कस्टमर जैसे आया, जैसे मैंने कहा आपने किसी से पूछा है हाँ जी ये चीज कितने की है, उसने आपको वैल्यू बताई, आप चले गए हो, इवेंट तो ये भी है। अगर आप किसी बैंक में जाते हो अकाउंट ओपन करवाने के लिए, वो आपको अकाउंट ओपन करने का फॉर्म देता है, इन्फॉर्मेशन देता है, आप अकाउंट ओपन नहीं करवाते, फॉर्म लेके वापस आ जाते हो, इवेंट तो ये भी है। तो ये सारे इवेंट जरूर हैं बट ये मॉनेटरी टर्म्स में मेजरेबल नहीं है, राइट। हर वो इवेंट विच इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी उसे मॉनेटरी इवेंट कहते हैं, और उस मॉनेटरी इवेंट को रिकॉर्ड करना ये अकाउंटिंग के जिम्मे में अभी भी लोग लेके आए थे, ठीक है जी। मैं जरा इसको वाइंड अप कर रहा हूँ चीज को। ट्रांजेक्शन से मुराद अभी अभी जो बोला गया जी, ट्रांजेक्शन से मुराद ये बोला गया द इवेंट्स विच आर टेकिंग प्लेस ऑन द बिजनेस बट दे आर ऑफ मॉनेटरी नेचर। एनी इवेंट विच इज बीइंग टेकन प्लेस इन द बिजनेस वो मॉनेटरी नेचर का है, और मॉनेटरी नेचर से मुराद विच इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर वो मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी है तो उसको रिकॉर्ड भी किया जाएगा अकाउंटिंग में, अगर वो मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी है तो उसको क्लासीफाई भी किया जाएगा, रिकॉर्ड हो गया तो वो क्लासीफाई होगा, उसको समराइज भी किया जाएगा, उसको इंटरप्रेट भी किया जाएगा। अगर वो मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी है, लाइक आप लोगों ने आईसीएमए में क्लासेस अटेंड करने के लिए कुछ ड्यूज सबमिट करते हो आप, ऐसा ही है जी। अभी जैसे अभी तो ऑनलाइन क्लासेस है ना, वैसे जब आप फिजिकल क्लासेस अटेंड करते थे
तो रिकॉर्ड तो इस चीज का भी रखा जाता था कि आप क्लास अटेंड कर रहे हो या नहीं कर रहे, प्रेजेंट या एब्सेंट मार्क होती थी, ऐसा ही है जी? यस और नो? सर आपकी आवाज कट रही है, अगर आप रिपीट कर दें। जी मैंने ये सवाल किया कि जब आप फिजिकल, अब आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, मैं सवाल कर रहा हूँ, जब आप क्लासेस अटेंड कर रहे थे तो आपके आने जाने का रिकॉर्ड भी रखा जाता था कि आपने क्लास अटेंड किया, प्रेजेंट या एब्सेंट, ऐसे ही होते हैं? जी, वो जो प्रेजेंट एब्सेंट लग रही है, क्या वो ट्रांजैक्शन है? ओके चले, क्योंकि आवाज थोड़ी सी, वो नॉन मॉनिटरी में तो राइट, हाँ वो इवेंट तो जरूर है, रिकॉर्ड भी किया जा रहा है, लेकिन वो अकाउंटिंग में नहीं रिकॉर्ड हो रहा, मतलब आपके नाम के सामने डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा जा रहा, कोई डेबिट क्रेडिट नहीं हो रहा, रिकॉर्ड किया जा रहा है, प्रेजेंट एब्सेंट मार्क की जा रही है। लेकिन अगर यही काम एक और इवेंट हुआ, आपने इंस्टीट्यूट को लेक्चर्स या क्लासेस अटेंड करने के लिए फी पे की है, तो रिकॉर्ड तो उसका भी रखा जाएगा, लेकिन वो रिकॉर्ड जो रखा जा रहा है वो एक ऐसा इवेंट है विच इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, और वो उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, क्लासिफाई, समराइज और इंटरप्रेट किया जाएगा। गॉट इट और नॉट जी? समझ पा रहे हैं? यस सर, यस सर। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी, इनफैक्ट ये हमने जो बात अभी की है वो ये है कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस का नाम है जिसमें रिकॉर्डिंग की जाएगी, यानी मेरी बात अगर आप समझ पाए, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम, ठीक है जी। रिकाउंटिंग से हम लेके जा रहे हैं कि हम रिकॉर्डिंग करेंगे, हम रिकॉर्डिंग करने के बाद क्लासिफाई भी करेंगे, अगर रिकॉर्डिंग होगी तो उस रिकॉर्डिंग की बेस पे क्लासिफिकेशन होगी, क्लासिफिकेशन की बेस पे हम समरी भी बनाएंगे, समरी बन गई तो उसकी बेस पे हम इंटरप्रिटेशन भी करेंगे, और ये इंटरप्रिटेशन, ये रिकॉर्डिंग, ये सारे के सारे जो काम हम कर रहे हैं, ये सारे काम हम किसके लिए कर रहे हैं, एक ट्रांजैक्शन के साथ कर रहे हैं, फाइन। ट्रांजैक्शन किसके लिए हो रही है, ये अभी बार बार एक वर्ड और बोला गया था, वो था बिजनेस, तो इसका मतलब किसी बिजनेस में अगर ट्रांजैक्शन हो रही है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, क्लासिफाई किया जाएगा, समराइज किया जाएगा, इंटरप्रेट किया जाएगा अकाउंटिंग में। लेकिन ये सारी बातें कर लेने के बाद मैं आपको फाइनली ये बताने लगा हूँ कि हमारा सब्जेक्ट अकाउंटिंग नहीं है, हमारा सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो वी नीड टू लर्न इन फैक्ट कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है। मैं अभी वो जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर वो स्लाइड्स शेयर करूँगा और अभी बुक भी शेयर करूँगा, आपको कुछ पढ़ने का मौका दूंगा और कल हम इस पर मज़ीद बात कॉन्टिन्यू करेंगे। इनफैक्ट अकाउंटिंग जितनी भी अभी तक हमने बात की है, ये हमने कहा रिकॉर्ड कर लें, क्लासिफाई, समराइज, इंटरप्रेट कर लें, हमें इस लेक्चर के शुरू में एक दोस्त ने बताने की कोशिश की थी कि इसका फायदा ये है, तो हमने कहा था फायदे की हम बात बाद में करेंगे। अगर हम किसी भी ट्रांजेक्शन को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर लें, क्लासिफाई, समराइज या इंटरप्रेट कर लें, यानी ये सारे काम कर लें, तो इससे किसी को बेनिफिट होगा। अगर किसी को इस सारे काम कर लेने के बाद, इस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज या इंटरप्रेट कर लेने के बाद कोई बेनिफिट होगा, तो जिनको इससे कोई बेनिफिट होगा दे आर कॉल्ड एज यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यूजर्स। तो आपने जो पढ़ना है किताब से या उन स्लाइड से या खुद अपनी अकल से, आपके इलम में भी होगा, आपने तलाश करने हैं कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स कौन से हैं। अगर आपको ये यूजर्स समझ आते हैं तो फिर हम लिंक कर सकते हैं कि व्हाट इज इनफैक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड व्हाट टू गो अबाउट। सो सिंस टाइम हमारा ख़त्म हुआ चाहता है तो दैट्स ऑल फॉर द डे। इनफैक्ट थोड़ा सा जो के दरमियान में हम एक दूसरे से इंटरेक्ट भी करते रहे और सिर्फ इंट्रोडक्टरी सेशन था, थोड़ा सा हम एक दूसरे से फेमिलियर भी हुए आज, तो इंशाल्लाह मज़ीद बातों को कल हम कंटिन्यू करेंगे। अभी कोई और अगर किसी के जहन में कोई क्वेश्चन है एंड दे वांट टू टॉक, मियां अमजद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, कोमल कुछ कहना चाह रही हैं, क्विकली कुछ कहना है तो प्लीज आप कह लें जल्दी से। सर मुझे, सर मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा सर आप कुछ टाइप कर रहे थे पहले, हमारी स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा। अच्छा आपकी स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा, किसी और को शो हो रहा है तो वो बता दें। मियां अमजद साहब आपको शो हो रहा था या नहीं हो रहा था? नहीं हमें भी नहीं हो रहा सर। किसी को भी नहीं शो हो रहा?
सर सिर्फ ट्रांजैक्शन तक शो हुआ है? नहीं। अच्छा चलिए ठीक है ओके। जो स्क्रीन शेयर हुई है आपकी रिकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन सबरेशन इंटरप्रिटेशन ट्रांजैक्शन जो है लिखा हुआ टेक्स्ट वहां पे शो हो रहा है सर। जी आपको शो हो रहा है क्योंकि लास्ट वर्ड ट्रांजैक्शन का है जी और उसके बाद अकाउंटिंग मैंने कहीं लिखा है बिजनेस लिखा है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन लिखा है नथिंग नथिंग आफ्टर दैट। नहीं सर कुछ भी शो नहीं हुआ। अच्छा चलिए ठीक है ओके कोई इशू नहीं है दोबारा लिख देंगे नो प्रॉब्लम। मैं इसकी पिक्चर आपके साथ ना शेयर भी कर दूंगा उस ग्रुप के अंदर फाइन। इस तरह के अगर इशू आएगा तो उसको हम एड्रेस कर सकते हैं ठीक है जी। जी कुछ और लोगों ने हाथ खड़ा किया हुआ जो कि क्लास का टाइम भी खत्म हो गया मे बी पीपल आर हैविंग सम अदर क्लास आल्सो तो अगर क्विकली कोई बात पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं मैं अलाउ कर रहा हूं जी। जी सर मेरा सवाल था मैंने सवाल के लिए मैंने रेज हैंड था वो मैं ये पूछना चाह रही थी अभी हमारी सितंबर टर्म भी आएगी ना दूसरे पेपर्स की तो उस दौरान अगर क्लासेस मिस हो जाती है सर मेरी आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। हेलो जी 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 आई कैन हियर यू। अच्छा तो मैं कह रही थी हमारी सितंबर अटेम्प्ट आती है तो उस दौरान अगर हमारी क्लासेस मिस हो जाती है तो हमें ये कैसे मतलब आपका लेक्चर दोबारा सकेगा एक ये बात बता दे और दूसरी बात ये कि ना ये अभी जो एफसीएमए पढ़कर आए ये उससे रिलेट करता है सब्जेक्ट हमारा जी ये उससे रिलेट करता है जी बिल्कुल ऐसे ही है ये उससे रिलेट करता है वो कोर्स टेक्निकली इसका प्रीरेक है। अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो अगर वो पढ़ा होगा तो ये चीजें कुछ बेहतर समझ आएंगी बट एनीवे जिन लोगों के लिए फर्स्ट है उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे थोड़ा सा टाइम लगाएंगे सो दैट ऑल द पीपल हु आर न्यू आईसीएमए में वो नए हैं या इस सब्जेक्ट में नए हैं जिंदगी में पहली दफा इस तरह का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या वो तमाम लोग जिनका ऑलरेडी पेपर तो दिया हुआ है बट चूंकि मैं और आप सारे जानते हैं रिजल्ट क्या हो सकता है और कैसे होते हैं रिजल्ट तो इसलिए हमें जो कहीं ना कहीं हमारी कमी है उसको इम्प्रूव करना है। अगर हमारा कहीं कॉन्सेप्ट वीक है तो उसको बेहतर बनाएंगे और आगे लेके चलेंगे। जो दूसरा सवाल आपने तो वो क्लासेस मिस होंगी उसका जवाब आपको एडमिनिस्ट्रेशन वाले बेहतर अंदाज में दे सकते हैं। सर नयाज है सर। जी जी प्लीज सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप का पूछना था वो अगर आप बता देते। मैं फाइनली जी एक दफा फिर वो नंबर बता रहा हूँ तमाम लोग वो नंबर नोट कर लें। इस नंबर के जरिए से आप QR कोड हासिल कर सकते हैं क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप का 0346 0346। आप एक मिनट रिपीट करेंगे 0346 0346 481 9424 ठीक है जी चले गुड लक सर सी यू टुमारो। जी कुछ कहना चाह रहे हैं तो बोल लें। और सर हम अपने काम जो प्रैक्टिस किया करेंगे वो कैसे फिजिकल में तो टीचर देख लिया करते थे तो अभी ऑनलाइन में कैसे हम अपना काम चेक कराया करेंगे कि हमने करेक्ट किया है कि नहीं किया जो भी प्रैक्टिस करेंगे? जी उसका इंशाल्लाह हम आपको कल बताएंगे अभी मजीद आगे चलते हैं। राणा सोहेल साहब आई एम एंडिंग द क्लास मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ आप काइंडली जो बच्चे इनको ऐड कर दीजिएगा तो आई विल सेंड देम ई बुक और इसके अलावा मैं जो मटेरियल आज मैंने डिस्कस किया है इससे रिलेटेड भेजता हूँ ताकि कल इनसे मजीद अच्छे अंदाज में बात की जा सके। ओके सर थैंक यू अल्लाह थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज़ सर ये आप हमें ऐड करेंगे ग्रुप में? डियर आप वहाँ पे मैसेज करते हैं आपको मैं या भी एक भेज दूंगा या फिर आपको QR कोड भेज दूंगा ठीक है। QR कोड का भी स्क्रीन पे शेयर भी कर रहा हूँ ठीक है। जिन्होंने नहीं किया हुआ उसको ऐड भी कर लें और जिनका जो है वो नहीं हो रहा तो वो काइंडली मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे।